नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नेम है लिटरेचर वर्ड्स। तो आज हम करेंगे इंग्लिश के 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। पहला वर्ड है ऑब्सेशन, क्रेज कह लीजिए या फिर कह लीजिए ब्लैक डॉग। हिंदी मतलब होता है जुनून, कुछ अलग करने का जुनून रखें। जस्ट कीप ऑब्सेशन टू डू समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंशियस, शोई या फिर प्रीटेंशियस, मतलब दिखावा, दिखावा करने वाला, जो बड़ी बड़ी बातें करे बट रियलिटी में कुछ हो ना, उसे कहते हैं ऑस्टेंशियस। वह दिखावटी है, ही इज ऑस्टेंशियस। थर्ड वर्ड है इनएडिबल, मीन्स अनईटेबल, या फिर आप कह लो नॉट फिट फॉर ईटिंग या फिर नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, दैट इन विच कैन नॉट बी ईटन, जिसको खाया नहीं जा सकता, उसे कहते हैं इनएडिबल। ये खाने योग्य वस्तु नहीं है, दिस इज इनएडिबल थिंग। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है रिचुअली। रिचुअली मीन्स धार्मिक, ऐसा बंदा या फिर वुमेन या फिर मैन जो ज़्यादा लॉफुली हो, ठीक है, वह धार्मिक सोच रखती है, शी हैज़ रिचुअली थिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है क्ले। क्ले सिंपली एनिमल्स, जैसे डॉग, लॉइन वगैरह के जो पैर होता है, पंजा, उसको बोलते हैं क्ले। आपने कहानी सुनी होगी शेर चूहे वाली, उसमें अंदर लाइन आती है कि शेर ने चूहे को पंजे से पकड़ लिया, तो सेंटेंस बनेगा लॉइन कॉट द रेट इन क्ले। नेक्स्ट वर्ड है फैंसी। फैंसी जैसे आप कह सकते हैं लाइक या फिर चूज या फिर अडोप्ट करना, पसंद करना। आज तक आप लोगों ने सुना होगा लाइक, तो यहाँ वहां पे आप यूज कीजिए फैंसी। जैसे कि मुझे यह काम बहुत पसंद है, तो आई फैंसी दिस वर्क, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिक्लामेशन। रिक्लामेशन का मतलब होता है या फिर इम्प्रूवमेंट कोरेक्शन, मीन्स कोई सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना या फिर कोई कोरेक्शन करना। आपको अपनी लिखावट में सुधार करने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा यू नीड रिक्लामेशन इन योर राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्पीयर। स्पीयर होता है भाला, या फिर आप बर्शी कह लो, या फिर कह लीजिए जैबलिन या फिर पाइक, वही भाला जैबलिन जो लोग फेंकते हैं गेम्स के अंदर, उसने भाला फेंका, शी थ्रू स्पीयर। नेक्स्ट वर्ड है कस्टम। कस्टम का मीनिंग होता है रिवाज। रिवाज मीन्स पहनावे की सेंस में, आप कह सकते हैं आउटफिट या फिर गारमेंट्स, क्लोथ्स या फिर ड्रेस। यह तो हमारे समाज का रिवाज है, मतलब तो कोई कपड़े वगैरह पहनते हो, वो कहता है कि यह तो हमारे समाज का रिवाज है, इट इज कस्टम ऑफ आवर सोसाइटी। नेक्स्ट वर्ड है आर्मर। आर्मर होता है कवच, ठीक है, जो पुराने युद्ध वगैरह में जो नाइट्स वगैरह पहनते थे योद्धा, उसको बोलते हैं आर्मर। आप इसको शील्ड कह सकते हैं या फिर आयरन क्लैड कह सकते हैं या फिर प्रोटेक्टिव कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव, ठीक है, आर्मर प्रोटेक्टिव। उसका कवच मजबूत था, हिज आर्मर वॉज स्ट्रांग। नेक्स्ट वर्ड है एंडेंजर। एंडेंजर होता है खतरे में डालना, रिस्क कह लीजिए या फिर कह लीजिए पुट इन रिस्क या फिर पुट इन डेंजर। आप मुझे खतरे में डाल रहे हैं, यू आर एंडेंजरिंग मी। नेक्स्ट और लास्ट आज का जो वर्ड है वो है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन्स संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, होप, एक्सपेक्टेशंस या फिर चांस। यहाँ पर काम करने की काफ़ी संभावनाएं हैं, देर आर मैनी प्रोस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग। यहाँ पर पैसा कमाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, देर आर मैनी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी बादल हैं, तो मैं कह सकता हूँ देर इज प्रोस्पेक्ट ऑफ रेन। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू।